पूरा दिल्ली का फोकस अब केवल झारखंड और हेमंत सोरेन। इसको कहते हैं डर। कल के बाद से बाबूलाल जी बोलेंगे इनको बेल दो, न्यायालय को चिट्ठी लिखेंगे, ट्वीट करेंगे कि माननीय न्यायाधीश महोदय फलना जी को सश्रम कारावास दे दी जाए, जिस प्रकार गुजरात हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपियों को सजा मुक्त किया उसी प्रकार आप भी यहाँ के सारे लोगों को आरोप मुक्त कर दे। अरे ये पुत्र वैसा पुत्र नहीं है कि कैमरा लेकर अपनी माँ के साथ में फोटो खिंचवाने जाता, ये पुत्र अपना दायित्व समझता है। देखिए अर्जुन मुंडा जी पे बहुत कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि बोलने से उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मुंह बंद रखना ही मेरा उचित रहेगा। क्या मुंह दिखाएंगे हम लोग अपने कॉरपोरेट के दोस्तों को, और पैसा लाने वाला को ही ऐसा परेशान कर दो कि पैसा तो क्या, तो हम चरित्र हनन करेंगे, अपने शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे। जब सरकार पैसा लेकर आ रही है, जो स्थापित मुख्यमंत्री है उसको एक विस्थापित मुख्यमंत्री जानवर के साथ तुलना करते हैं। एक मुख्यमंत्री के बारे में दूसरा पूर्व मुख्यमंत्री किस भाषा का प्रयोग करते हैं। आजकल भारतीय जनता पार्टी के नेतागण जिस प्रकार से धीरे धीरे अपना पेशा बदल रहे हैं, पहले तो पार्टी के प्रवक्तागण अपनी पार्टी की बात कहते थे, अब लगता है कि दोहरा दायित्व उन लोगों को मिल गया है कि केंद्रीय एजेंसियों का भी प्रवक्ता वही लोग बन गए। केंद्रीय एजेंसी के पास में चूंकि इतनी सारी अब एवेन्यूज खुल गए हैं 2024 को टारगेट कर कि उनके लोग कम पड़ गए, क्योंकि वो एजेंसी में अब तो आउटसोर्स भी होने लगा कि सिलेक्टिव लोगों को बचाना है और सिलेक्टिव लोगों को परेशान करना है, और उसके लिए कई तरह के मिथ्या तथ्यों को भी बड़ा बेशर्मी के साथ में पेश किया जाता है। हर व्यक्ति वो चाहे किसी भी पद पर बैठा हो, किसी भी स्तर का हो, हमारे संविधान ने उसको न्याय व्यवस्था में संपूर्ण अधिकार दिए हैं कि वो उसे यदि जब जरूरत पड़े वो न्यायालय से गुहार लगा सकता है, न्यायालय के पास जा सकता है, संरक्षण मांग सकता है, और उसके कई प्रोसेस भी होते हैं। अब चूंकि इंडिया नाम से ही लोगों को दिक्कत है तो डिजिटल भारत ही कहना उचित रहेगा, डिजिटल इंडिया तो उनको डराता है, तो डिजिटल भारत में अब जो भी हाई कोर्ट्स हो, सुप्रीम कोर्ट्स हो, वहाँ पर ऑनलाइन फीस भरी जाती है, चाहे आप जमीन का भी यदि रजिस्ट्री करें, चाहे आप मोटर व्हीकल का भी रजिस्ट्रेशन करें, ड्राइविंग लाइसेंस का भी मांग करें, आधार कार्ड, चाहे कोई भी तरह का पासपोर्ट, सब कुछ ऑनलाइन अप्लाई होता है। और उस क्रम में जो प्रोफोर्मा है उसमें कई चीज़ें डाली जाती हैं। उसी तरह विगत दिनों हमारे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जब यहाँ के उच्च न्यायालय में अपील दायर की तो उन्होंने भी ऑनलाइन
ही जो उपाय है उसका सहारा लिया। उसमें शायद कुछ त्रुटियां रही जिसको हाईकोर्ट ने मेंशन किया और उसका, और ये एक बड़ा नॉर्मल प्रोसीज्योर में ये आता है, और उसका क्लैरिफिकेशन मांगता है तो उसके बाद में फिर उसको हार्ड कॉपी में क्लैरिफाई किया जाता है। एक केस रीट पिटीशन जो 5888/20/2020 का है, जो 10/11/2020 को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा माननीय स्पीकर झारखंड विधानसभा के को पार्टी बनाकर फाइल किया गया, वह 10/11/2020 में किया गया। इसमें हाईकोर्ट ने 16 त्रुटियां गिनाई, 16 त्रुटियां, लेकिन हम लोगों ने इस पर कभी कुछ बोला नहीं क्योंकि ये स्वाभाविक प्रक्रिया। उन्हीं के नेता बाबूलाल मरांडी जो 12 नवंबर 2020 को स्पीकर के खिलाफ एक रिट पिटीशन 5911 फाइल करते हैं, उसमें भी 3 आपत्तियां। यह आपत्तियां क्या है? पहला आपत्ति पेज नंबर 28-35 आर फेंड कॉमा फ्रेशली फ्रेश टाइप्ड कॉपीज में बी गिवेन, जो हार्ड कॉपी में दिया जाता है। दूसरा पेज नंबर 43, 45, 46, 59 को भी फ्रेश टाइप करके दे। ये जो चीजें हैं ये बड़ा नॉर्मल चीजें, और ये हमको लगता है कि हर केस के मामले में जिसपे भी ऑनलाइन होता है तो उनका एक करेक्शन स्लिप आता है। हम जब चुनाव भी लड़ते हैं तो अपना नॉमिनेशन पेपर जब देते हैं तो रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा एक करेक्शन स्लिप दिया जाता है कि जिन पर उनको कुछ डाउट रहता है उन पर वो बोलते हैं कि हमको फ्रेश दे दो। ये कौन सी बात हो गई? इनको क्यों मिर्ची लग गई? किस भाषा का प्रयोग करने लग गए? अब तो संसद में जो भाषा बोला जाता है, एक मुख्यमंत्री के बारे में दूसरा पूर्व मुख्यमंत्री किस भाषा का प्रयोग करते हैं? क्या बोले हैं? एक जो स्थापित मुख्यमंत्री है उसको एक विस्थापित मुख्यमंत्री जानवर के साथ तुलना करते हैं। एक अदना सा आदमी बोलता है समय खरीद रहे हैं, भाग रहे हैं। ये कौन सी
नई भाषा है। पॉलिटिकली जब आप लड़ नहीं सकते, राजनीतिक तौर पे आप लड़ने का मादा नहीं रखते, तो आप इस भाषा पे उतर आए। एक सांसद कहता भाग भाग, ये सही चीजें नहीं जा रही। और जिस प्रकार ईडी को उद्धृत किया जाता है, केंद्रीय मंत्री बोलती हैं कि हमारी बात को मान लो नहीं तो सीबीआई और ईडी भेज देंगे, संसद के अंदर हमको तो समझ में नहीं आता है कि अब इन लोगों को किस भाषा में जवाब देना पड़ेगा। आज आप पकड़ा गए, 5 दिन का सत्र बुलाकर लोगों को केवल सब्ज बाग दिखाएं, महिला आरक्षण बिल देंगे, हम लोगों ने कहा दो, बोला अभी नहीं। पहले जनसंख्या की जनगणना होगी, तब परिसीमन होगा, तब देंगे। अरे आज तो सवाल ये उठता है ना कि 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कितने प्रतिशत महिला उम्मीदवारों को उतार रही, बताए। तो जो महिला आरक्षण बिल से भाग रहा हो वो पूछ रहा है, वो बता रहा है कि दूसरा कोई भाग रहा है। अब क्या हम न्यायालय भी नहीं जा पाएंगे? कल के बाद से बाबूलाल जी बोलेंगे इनको बेल दो, न्यायालय को चिट्ठी लिखेंगे, ट्वीट करेंगे कि माननीय न्यायाधीश महोदय फलना जी को सश्रम कारावास दे दी जाए, जिस प्रकार गुजरात हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपियों को सजा मुक्त किया उसी प्रकार आप भी यहाँ के सारे लोगों को आरोप मुक्त कर दे, सजा माफ कर दे। पूरा दिल्ली का फोकस अब केवल झारखंड और हेमंत सोरेन हो गया। इसको कहते हैं डर, इसको कहते हैं भय, इसको कहते हैं हताशा, इसको कहते हैं पराजय का स्वीकार करना कि अब हम राजनीतिक तौर पे तो नहीं लड़ सकते, तो हम चरित्र हनन करेंगे, अपने शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे। जब सरकार पैसा लेकर आ रही है, दर्द तो इनको इसलिए होता है कि यदि पैसा आ गया, यदि ग्राम सभा मजबूत हो गया, यदि जंगल पर ग्राम सभा का कब्जा हो गया,
जमीन पर हो गया, जल पर हो गया, तब कॉरपोरेट वाले कहाँ जाएंगे? डर उनका वहां छुपा हुआ है पैसा के अंदर। भयभीत है लोग, क्या मुंह दिखाएंगे हम लोग अपने कॉरपोरेट के दोस्तों को? और पैसा लाने वाला को ही ऐसा परेशान कर दो कि पैसा तो क्या, पूरा आदिवासी, यहां का दलित, यहां का अल्पसंख्यक, यहां का मजदूर, यहां का किसान, यहां की महिलाएं पीड़ित हो जाए, उनके विषय में कोई सोच ना पाए, यह है डर। बाबूलाल जी यदि को मेरा एक विनम्र आग्रह होगा कि रमेश बिधूरी की भाषा मत बोलिए, यह आपके सांस्कृतिक पहचान की नहीं है। आपकी संस्कृति कल ही कर्मा बीता है, जो प्रेम का संदेश देता है। इस प्रकार की भड़काऊ बात नहीं करता। इस महान संस्कृति का आदर कीजिए और अपनी भाषा पर लगाम लगाइए, नहीं तो जनता की भाषा इससे भी ज्यादा कठोर होती है, 24 के लिए तैयार नहीं। मंत्री जी के एक पिता भी हैं जो हमारे लिए धरोहर, उनका नाम दिशम गुरु आदरणीय शिबू सोरेन जी, उनकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, वो भी सतत डॉक्टर के निगरानी में है। अरे ये पुत्र वैसा पुत्र नहीं है कि कैमरा लेकर अपनी माँ के साथ में फोटो खिंचवाने जाता है। ये पुत्र अपना दायित्व समझता है, राजवासियों के साथ साथ अपने पिता का भी ख्याल रखता है। अर्जुन मुंडा ने आज एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि पैसा कानून को लेकर केंद्र की ओर से लगातार कहा जा रहा था कि जल्द पैसा कानून बनाए, झारखंड में भी झारखंड का नाम भी शामिल हो। अब देखिए अर्जुन मुंडा जी पे बहुत कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि बोलने से उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मुंह बंद रखना ही मेरा उचित रहेगा।